ने चेताना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 8वां लेक्चर है, यूनिट चल रहा था हमारा गैसेस एक्सचेंज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी रेस्पिरेटरी अमराज, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतलक जो बीमारियाँ होती हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं या डिसऑर्डर हैं, इनकी रेशियो या परसेंटेज इज मोर नियरली द अफेक्ट ऑल पीपल, बट द परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन पाकिस्तान इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज इज सेम। मतलब पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं या अर्बन एरियाज हैं उन दोनों के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं उनकी रेशियो तकरीबन सेम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी फिजाई आलूदगी, जो फिजा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियाँ पाई जाती हैं या पोल्यूटेंट पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं। तो उनमें से चंद एक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं उन डिसऑर्डर को आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मोस्टली कॉमन भी हैं। तो उनमें से पहला जो डिसऑर्डर है उसको नाम लेते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस इज कंसीडर्ड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी ये क्या होता है? ब्रोंकाइटिस इज अ डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच में कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बेटा सोजिश या जलन। अब जब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो इस इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट किस में निकलता है? इट में रिजल्टेड इन एक्सेस सेक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई की दीवारें हैं उनके अंदर म्यूकस की सेक्रीशन मोर होना स्टार्ट हो जाती है। याद हो तो हमने जब ईयर पैसेज भी पढ़े थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि चेक किया और ब्रोंकाई ब्रोंकाइटिस वगैरह इनके अंदर सीलेटेड सेल्स और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स पाए जाते हैं। तो उन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर म्यूकस की सेक्रीशन बढ़ जाती है अगर ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए। तो जब मोर सेक्रीशन होती है देन नॉर्मल, देन इट मे कॉज अ स्वेलिंग ऑफ ईयर वेज। ये क्या करती है? स्वेलिंग एंड नर्विंग ऑफ ईयर वेज, नर्विंग ऑफ ईयर वेज, यानी हवा के जो पैसेज वे है, हवा की जो गुजरगाह के जो रास्ते हैं वो स्वेल भी हो जाते हैं, यानी सूज भी जाते हैं। सोजेज और सूजन में फर्क है। सोजेज जलन को बोलते हैं और स्वेलिंग का मतलब है सूज जाना, डबल हो जाना। और नर्विंग ऑफ एयर वेज, वो हवा की गुजरगाह के जो रास्ते होते हैं वो तंग भी पड़ जाते हैं, यानी सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही होती है। तो ये बेसिक ब्रोंकाइटिस होती है। इन ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी म्यूकस की सेक्रीशन ज्यादा हुई और जो ईयर वेज यानी वो जो ब्रोंकाइटिस की ओपनिंग होती है वो स्वेल भी हो जाती है और नैरो भी पड़ जाती है। अब इसका काज क्या है, वजूहात क्या है, किस वजह से ये बीमारी होती है? तो उन्होंने कहा इसकी वजह एक तो कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी फैल रही होती है। दूसरी वजह उन्होंने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया भी इसका काज होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये बीमारी फैल रही होती है। तीसरी वजह उन्होंने मेंशन की है वो कहते हैं एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, केमिकल इरिटेंट्स। वो कहते कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से हसास होते हैं, तो लाइक एज टोबैको स्मोक, अगर कोई स्मोकर हो, कोई बंदा स्मोकिंग करता हो तो उसके स्मोक की वजह से कुछ लोग हसासियत का शिकार होते हैं, उन्हें ब्रोंकाइटिस यानी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। यानी ब्रोंकाइटिस को हम सिंपली कॉमन ये जो खांसी होती है उससे भी बोला जा रहा होता है। अब वो कहते हैं ये जो ब्रोंकाइटिस है अमूमी तौर पर जो हमारे कॉमन एरियाज में पाई जाती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को नाम देते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होते क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट एट वंस होने वाली ब्रोंकाइटिस जिसको हम मौसमियाती खांसी का नाम भी दे देते हैं। इस एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इट इज सच टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस विच लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक, ये ज्यादा से 15 दिन तक यानी 2 हफ्तों तक रहने वाली बीमारी है। एंड पेशेंट विल रिकवर विदाउट नो परमानेंट डैमेजिंग टू देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम परमानेंटली डैमेज नहीं होता, बंदा रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, सेहत याब हो जाता है। लेकिन दूसरी जो टाइप है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म को बोलते हैं। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, इट इज सच टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज अबाउट 3 months to 2 years, यानी इसका जो टाइम पीरियड है इट लास्ट फॉर 3 months, ये 3 महीने से लेकर 2 year तक चली जाती है।
यानी 2 सालों तक रहने वाली, यानी इससे फिर आगे वो ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाती है एक्सेट्रा, यानी और बीमारियां लग जाती हैं, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है। अब इन दो इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी अलामत क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्रोंकाइटिस हुई है? तो पहले जो कॉमन इसकी जो अलामत है, सिम्टम है, वो है कफ, यानी इसकी सूरत में जिसको ब्रोंकाइटिस हो जाएगी वो कफिंग करेगा, कफ करेगा। उसके साथ हम कहते हैं मिल्ड वीजिंग मतलब हल्की सी खरखराहट, गला जब वो सांस लेगा, सांस लेने से उसके अंदर खरखराहट सी उसके सीने में बोझ सा फील हो रहा होगा, खरखराहट सी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं फीवर भी हो जाता है, और इसके साथ साथ वो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी जब वो ब्रीथिंग करेगा, सांस लेगा, तो उसमें दुश्वारी का सामना होगा। स्पेशली वो कहते हैं ये सांस लेने में तंगी कब होगी, जब कोई हार्ड जॉब कर रहा होगा, कोई सख्त काम कर रहा होगा, तो उस सूरत में उसको सांस लेने में ज़्यादा तंगी का सामना होगा। तो ये इसकी अलामतें हैं। हाँ, एक और बात, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है ये कॉमन जो 40 से 45 साल या इससे अबव वाले जो लोग होते हैं, 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर वन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा, कल नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे